myself Abhinit Rana. Please subscribe the channel to get instant updates of videos from class 6 to 12. Hello students, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, सोर्स चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे. ठीक है, और हम किसी डिस्टेंस r पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करेंगे. ठीक है ना बच्चों. चलिए, तो इस कंडीशन में सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट है O और हमारा यहाँ पे सोर्स चार्ज है Q, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉइंट सोर्स चार्ज की वो हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, ऐसे करके यहां भी जाएंगी, यहां भी जाएंगी, स्फेरिकली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एमर्जेंस होगा. मान लेते हैं कि हमारे पास फील्ड के अंदर यहां पे पॉइंट पी के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और ये डिस्टेंस सोर्स यानी कि प्लस क्यू से यानी ओरिजिन ओ से कितना दूर है, आर दूर है. ठीक है बच्चों, फील्ड के ही अंदर हमारे पास यहां पे पॉइंट है एक ए और बहुत ही पास एक पॉइंट है बी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये डिस्टेंस है हमारा डी आर वेक्टर. तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है अभी के लिए यहां पे रखा हुआ है ए पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट. ठीक है, और यहां पे हमारी इन्फिनिटी है, लार्ज डिस्टेंस है, तो हमारा टारगेट है एक्चुअली फाइनली कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालना. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा चार्ज ए पॉइंट पे है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम फोर्स कितनी लग रही है. तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमारा काम है कूलॉम फोर्स फाइंड करना ऑन क्यू नॉट पे. ठीक है, जो कहा है अभी के लिए, वो अभी के लिए अभी है पॉइंट ए पे, तो कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हमें एफ वेक्टर निकालना है, तो के लेंगे इस कंडीशन में. सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम ही एयर है, तो हम या तो ऐसे लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या सिंपली हम इसे के से डिनोट कर दें. पहला चार्ज है हमारा इस कंडीशन के अंदर प्लस क्यू, और दूसरा है हमारा प्लस क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो डिस्टेंस ओ से लेकर हम ए तक का लेंगे, तो ओ ए का स्क्वायर होगा. डायरेक्शन कहाँ है इस फोर्स की, फ्रॉम ओ टू ए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब यहां से सुनना कि ये क्या बनता है, एफ वेक्टर बनता है कि एज इट इज प्लस 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 बनेगा क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई ओ ए स्क्वायर. तो ओ ए कितना है यहां से यहां तक, ओ ए, एज्यूम कर लेते हैं जो हमारे पास ओ ए, ओ ए है वो स्मॉल आर है, तो उस कंडीशन में ये बना आर स्क्वायर. डायरेक्शन क्या है, अगेन फ्रॉम ओ पॉइंट टू ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है, इतनी वैल्यू की फोर्स लग रही है, और इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि ए पॉइंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को, इसको क्यू नॉट को ए से बी तक लाएंगे जीरो एक्सेलरेशन के साथ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, लेट कर लेते हैं. चलिए, जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट उसे मूव किया, कहां से कहां मूव किया, पॉइंट ए से बी तक मूव किया, और कैसे मूव किया, विद जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव किया. तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ बाय किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ. तो देखिए, जो वर्क डन का सिंबल है डी डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स का सिंबल है एफ वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है डी आर वेक्टर. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा. बच्चों, अब एफ जो है मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, और ये होगा वो, यानी कि क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डी आर जो है वो क्या है, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, चलो वो एज इट इज रह जाएगा, कॉस थीटा. तो थीटा जो एंगल होता है वो इन दोनों के बीच का होता है. इस कंडीशन के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहां को है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी डी आर वेक्टर ए से बी हुआ, तो इस डायरेक्शन में हुआ, यानी कि ये बनता है हमारे पास कॉस 180 डिग्री. यही वैल्यू हमारी -1 आएगी, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा -1 Q
क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर आएगा। तो ये छोटा सा वर्क है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हम अभी के लिए याद रखेंगे, हमारे पास पॉइंट वन है। अब हमें अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें बाय डेफिनेशन सोचना पड़ेगा, जो हमने पहले स्टडी कर रखा है। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है, वो बोलती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी जो होगा वो होगा डब्ल्यू वाई क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू जो है वर्क है चार्ज को लाने में किया गया, कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, और क्यू नॉट है वो चार्ज जिसको लाया गया। यानी कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करोगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और विद जीरो एक्सीलरेशन आएगा, तो वो नोटिस करोगे आप, और नोटिस कर लिया वो वर्क से उस चार्ज को डिवाइड कर दोगे जो चार्ज आप लाए होंगे। तो यहां पे मैं और अच्छे से बता दूं, ये वो वर्क है जो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक चार्ज को लाने में किया गया, और ये वो चार्ज है जो लाया गया। ऐसे करके आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे कहां पे, पॉइंट पी पे। इसे हम अच्छे से लिखते हैं, वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी वाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर टू है। हमारे हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर वन का यूज करके उसे इक्वेशन नंबर टू में पुट करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, चार्ज को लाते हैं कहां से, इन्फिनिटी से। लेट क्यू नॉट कहां से लाएंगे हम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां तक, पॉइंट पी तक, और हम निकालेंगे इस कंडीशन में टोटल वर्क डन। ठीक है बच्चों, हम इस पॉइंट से यहां तक चार्ज को लाएंगे और बहुत सारे डी डब्ल्यू का समेशन करेंगे और हमें मिलेगा टोटल वर्क। इसको हम कैसे करेंगे, इक्वेशन वन का इंटीग्रेशन करके। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इक्वेशन वन को। तो देखो वन क्या है, लेफ्ट में डी डब्ल्यू है, राइट में है माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और ये है हमारा डी आर। तो इंटीग्रेशन करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी। हमारे ये देख लो डी आर, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इन्फिनिटी से आएंगे कहां तक आएंगे, आर डिस्टेंस तक। तो हमें वर्क भी कहां से कहां निकालना है, इन्फिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर डिस्टेंस आर तक। तो ये हमें क्या देगा, टोटल वर्क देगा जो हम सिंपली डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, हमें ये मिल जाएगा इक्वेशन टू के अंदर अगर हम इसे सॉल्व कर लें। अब देखिए इसमें सॉल्व क्या होगा, इसमें सिर्फ सॉल्व होगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये आर के साथ मैच करता है। तो बाहर क्या रहेगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन चलेगी इन्फिनिटी से लेकर आर तक, ये आ गया डी आर बाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, माइनस के क्यू क्यू नॉट और ए इन्फिनिटी लोअर लिमिट है, आर जो है अपर लिमिट है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं आर पावर माइनस टू डी आर। अब सॉल्व होगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था 11 क्लास में, एक्स पावर एन डीएक्स का क्या वैल्यू होता है, एक्स एन प्लस वन और ये एन प्लस वन। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जब माइनस वन होगा तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एन की जगह किसने ले रखी है, माइनस टू ने ले रखी है। तो थोड़ा सा ये चेंज कैसे होगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट और ये बनेगा हमारा इसके कंडीशन के अंदर आर, एन प्लस वन है तो माइनस टू प्लस वन करेंगे, ये भी माइनस टू प्लस वन होगा। अपर लिमिट हम डालेंगे अभी, ये हमारी लोअर लिमिट है। माइनस के क्यू क्यू नॉट इसको हम ले सकते हैं आर पावर माइनस वन और ये ऑटोमेटिकली माइनस वन हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया हमारा क्या, इन्फिनिटी। तो इस केस में माइनस के क्यू क्यू नॉट अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, वन अपॉन माइनस वन इन टू आर पावर वन। जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो माइनस वन क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस वन बन जाएगा। तो हम यहां तक पहुंच गए,
अब इसके बाद का काम देखिए, इसकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी, इसकी अपर लिमिट आर। इसके बाद देखिए क्या होता है कि माइनस के क्यू क्यू नॉट एज इट इज है, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे करके, वन अपॉन माइनस आर करके, ये अपर लिमिट, ये आ गया हमारी लोअर लिमिट, सॉरी यहां पे आर है और यहां पे इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी से आए थे। अब माइनस के क्यू क्यू नॉट, अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो एज इट इज ऐसे रह जाएगा आर में आर की वैल्यू, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जो हमारे पास ये माइनस है ना, चलो माइनस तो माइनस है, आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। देखिए बच्चों, तो माइनस के ए क्यू क्यू नॉट ये बनेगा माइनस वन अपॉन आर, और ये वन वाई इन्फिनिटी जो बनेगा वो जीरो बनेगा, तो अगला तो है जीरो बन जाएगा सारा, तो ये रह गया माइनस से माइनस कट गया, तो के क्यू क्यू नॉट वाई आर आया। तो बच्चों ये चीज क्या आई, वर्क आया कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक चार्ज को लाने में। अब हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन टू के अंदर, ठीक है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर टू। तो वो क्या थी हमारे पास था डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, और सॉरी वो हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पी दैट इज इक्वल टू वर्क इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट होगी कि क्यू क्यू नोट बाई आर डिवाइड बाई क्यू नोट, तो ये क्यू नोट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू वाई आर, तो ये है हमारा डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे फ्रॉम सोर्स चार्ज। अब हम थोड़े से केसेस और करेंगे, हम थोड़े से स्टडी और करेंगे। चलिए हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं सोर्स चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बच्चों माइनस क्यू है, तो उस कंडीशन में जब ये माइनस क्यू होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कहां पे, ऑन पी पे कैसे लिखी जाएगी, माइनस के क्यू वाई आर करके लिखी जाएगी, क्योंकि क्यू का रिप्लेसमेंट जब माइनस क्यू होगा तो माइनस सिंबल यहां पे रहेगा। दूसरी बात, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा दैट इज वी जो आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव वैल्यू जीरो से कम होती है। वैसे ही अगर द्वारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा सोर्स चार्ज प्लस है, अब जैसे हमने अभी यहां पे किया कि हमारा एक सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम पोटेंशियल निकालें पी पे तो वो हमारे ऑटोमेटिकली के क्यू बाई आर आएगा और ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो वी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बच्चों। एक लास्ट केस और डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ है, तो ग्राफ में हम यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर डिस्टेंस के लिए, और हम ग्राफ के अंदर जो वर्टिकल एक्सिस यूज कर रहे हैं वो हम पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला देख लो ध्यान से, हम इसी के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, जब हमारे पास सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, उसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। देखिए, तो जब आर बढ़ेगा तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आर बढ़ रहा है, देखिए यहां से यहां तक, यहां तक आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, जब कम आर होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, जब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा और कम हो जाएगा, वैसे जब आर और बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कम हो जाएगा, ऐसे करके आर के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जो वी है बच्चों वो फंक्शन है आर का, डिपेंड करता है आर पे, और वी और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है।